हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो शेयर मार्केट के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे गेल इंडिया। तो गेल इंडिया का टारगेट हम डिस्कस करेंगे कब के लिए, 24 मई के लिए। तो हम ये चार्ट लगा रखे हैं। चार्ट पे देखिए, सीधा ऊपर की तरफ ये देखिए 21 मई को 150 रुपये से लुढ़क के जो है 145 तक आ गया है, राइट। और ये देखिए 20 मई को ये शेयर 146 से सीधा वहीं के लेवल से ऊपर गया 20 तारीख को, और 21 को ऊपर जाने के बाद 150 से सीधा नीचे आ गया, राइट। और इसका जो एक 146 का एक सपोर्ट के लेवल आसपास था, उसको भी तोड़ के 145.85 लगभग सपोर्ट के आसपास है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, एक सपोर्ट के आसपास है। अगर ये 145 क्रॉस किया, मतलब नीचे गया, तो और नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जो चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से एक बाउंस बैक निकला था, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर से ये रिवर्ट कर सकता है, राइट। तो ऊपर की तरफ फिर से वही टारगेट, आपको 150 के आसपास टारगेट मिल सकते हैं। और नहीं तो अगर नीचे की तरफ गया तो 145 के नीचे नहीं जाना चाहिए। मान रखिए, अगर 145 के नीचे गया तो आप सेल करके अपना होल्डिंग निकल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए है तो अच्छा शेयर बने रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।